गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो लेके। आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पिस्टन, पिस्टन के टाइप्स, हेड्स के टाइप्स, इनके कंपोनेंट्स के बारे में। आज फिर हम पिस्टन से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर का हिस्से में जो चीज़ फिट रहती है यहाँ पे पिस्टन रिंग जिसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पिस्टन रिंग्स की। तो आइए शुरू करते हैं पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पिस्टन रिंग जो है रिंग ग्रूव में फिट रहता है, रिंग ग्रूव में फिट रहता है, और पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में जो गैप होता है उसको कवर करता है और गैस को सील करता है, सील करता है, तथा पिस्टन की हीट को हीट को ट्रांसफर करता है सिलेंडर वॉल्स में। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन फंक्शन में सबसे पहला है गैस सीलिंग। गैस सीलिंग सभी स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, जो भी गैस इंजन सिलेंडर के ऊपर कंबशन चैम्बर में होती है उसको लीक नहीं होने देता, उसको नीचे नहीं आने देते। नंबर टू हीट ट्रांसफर। जो इंजन सिलेंडर के अंदर हीट पैदा होती है, जिसे पिस्टन जो हीट होता है, जितना पिस्टन जो गर्म होता है, पिस्टन की हीट को ट्रांसफर करते हैं सिलेंडर की दीवार के ऊपर, करता है पिस्टन रिंग। नंबर थ्री ऑयल को स्क्रैप करता है, ऑयल को स्क्रैप करता है लुब्रिकेशन के लिए। जो ऑयल सिलेंडर की दीवारों के ऊपर भेजा जाता है, एक्सेस ऑयल जो है उसको स्क्रैप करके सामने भेजता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सहन करता है, फ्रिक्शन कम करता है, फ्रिक्शन कम करता है। पिस्टन पूरी तरह से सिलेंडर की दीवारों के साथ टच नहीं रहता, सिर्फ रिंग ही जो है सिलेंडर की दीवारों के साथ टच रहते हैं, तो जिसके कारण जो फ्रिक्शन है वो कम होती है और पावर लॉसेज जो है वो कम होते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल की। पिस्टन रिंग जो है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। कास्ट आयरन के बने होते हैं, ये क्रोमियम प्लेट रहते हैं, क्रोमियम प्लेट रहते हैं। पिस्टन का पहला ऊपर का पहला रिंग जो है वो क्रोमियम प्लेट रहता है, कभी कभी जो है वो दूसरा रिंग भी क्रोमियम प्लेट रहता है, क्योंकि सब पे टॉप पे होता है और ये जो है केमिकल रिएक्शन और फ्यूल और एयर का हीट, टेम्परेचर, सभी चीज को सहन करते हैं। आइए बात करते हैं पिस्टन रिंग्स के टाइप्स की। पिस्टन रिंग्स के जो पिस्टन रिंग जो है वो दो प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, टू टाइप्स। नंबर वन कंप्रेशन रिंग और नंबर टू ऑयल रिंग। ये दो प्रकार के रिंग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेशन रिंग की। पिस्टन के अंदर ये कंप्रेशन रिंग जो है सबसे ऊपर वाले रिंग ग्रूव्स में फिट रहते हैं। पिस्टन के अंदर कंप्रेशन रिंग एक, दो या तीन संख्या में रहते हैं, या अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, निर्माता के अनुसार इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। ये पिस्टन, पिस्टन के टॉप के जो ग्रूव हैं वो कंप्रेशन रिंग ग्रूव हैं, इसमें कंप्रेशन रिंग का को फिट किया जाता है, और जो नीचे वाला ग्रूव है ये ऑयल रिंग ग्रूव है। सिलेंडर वॉल
इस तरफ की सिलेंडर वाल, कंप्रेशन रिंग जो है वो यहां पे ऊपर फिट रहते हैं और सिलेंडर की और पिस्टन के बीच के गैप को खत्म करते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की गैस जो है वो कंबर्शन चैम्बर से नीचे नहीं आ पाती। और अब बात करते हैं कंप्रेसर रिंग के टाइप्स की। अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर रिंग के टाइप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के आधार के ऊपर कंप्रेसर रिंग के प्रकार, नंबर वन रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर रिंग, नंबर टू टेपर फेस रिंग, नंबर थ्री बैरल फेस रिंग, और नंबर फोर इनसाइड BEVEL बेवल रिंग, और नंबर फाइव की स्टोन रिंग। ये क्रॉस सेक्शन के आधार के ऊपर है कि रिंग जो है वो सिलेंडर के साथ कैसे टच करता है और उसका डिजाइन कैसा होता है। ये सिलेंडर वाल, सिलेंडर वाल, और ये पिस्टन, और ये पिस्टन रिंग ग्रूव, पिस्टन, ये रिंग ग्रूव। रिंग ग्रूव, इस पिस्टन रिंग ग्रूव में जो रिंग फिट रहते हैं, सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर रिंग। रेक्टेंगुलर रिंग का फेस जो आगे का होता है वो बिल्कुल सीधा रहता है, रेक्टेंगल में रहता है। इसी रिंग का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होते हैं और इसका फेस जो है आगे पूरे सिलेंडर की दीवार के साथ अच्छी तरह से टच करता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, टेपर फेस। टेपर फेस रिंग में जो रिंग का आगे का फेस है जो सिलेंडर की दीवार के साथ टच करता है वो टेपर शेप में रहता है, इसलिए इसे टेपर फेस रिंग कहते हैं। टेपर फेस रिंग का नीचे का हिस्सा सिलेंडर की दीवार के साथ टच करता है और ये अपनी जगह अच्छी तरह से बना लेता है, लेकिन ये ब्लो बाई गैसेस को अच्छी प्रकार से नहीं रोक पाते। अभी आगे बात करते हैं बैरल फेस रिंग की। बैरल फेस रिंग का जो आगे का हिस्सा है वो बैरल शेप में रहता है। इन रिंग्स का प्रयोग टॉप रिंग में यूज किया जाता है क्योंकि ये ब्लो बाई गैसेस को अच्छी प्रकार से रोकती हैं। इसके बाद बात करते हैं इनसाइड इनसाइड बेवल रिंग की। इनसाइड बेवल रिंग में जो होता है वो जो रिंग है ये अंदर की तरफ इसमें एक स्लॉट कटा रहता है, जिस इस स्लॉट के कारण ये रिंग जो है वो अपनी जगह के ऊपर ट्विस्ट करता है और ट्विस्ट करने के कारण ये जो है सिलेंडर की दीवार के ऊपर अच्छा सीलिंग का काम करता है। ये रिंग जो है वो दूसरे रंग के नंबर के रिंग ग्रूव में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ की, कीस्टोन रिंग। कीस्टोन रिंग में जो रिंग ग्रूव है उसमें भी थोड़ी सी अंदर की तरफ जगह अलग तरीके से बनी होती है और जो रिंग है वो आगे से रेक्टेंगल की तरफ फ्लैट रहता है और उससे पीछे से उसका हिस्सा भी थोड़ा सा गोलाई में बना रहता है। इस रिंग का प्रयोग जो होता है हैवी ड्यूटी इंजन्स में किया जाता है। हैवी ड्यूटी इंजन्स में इस रिंग का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्रेसर रिंग की ही अकॉर्डिंग टाइप्स की, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट। अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट ये तीन प्रकार के हैं। नंबर वन स्ट्रेट ज्वाइंट, नंबर टू एंगल ज्वाइंट, और नंबर थ्री स्टेप ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब जो रिंग है वो आगे से सिलेंडर में जब जाया जाता है तो लास्ट एंड पॉइंट इसका आपस में
ज्वाइंट करता है। इसी के आधार पे ऊपर ये रिंग के टाइप्स है। सबसे पहला स्ट्रेट ज्वाइंट, जो स्ट्रेट ज्वाइंट है उसमें रिंग का लास्ट पॉइंट जो है वो स्ट्रेट रहता है और ये सीधा आपस में ज्वाइंट करता है। दूसरा है आपका एंगल ज्वाइंट। एंगल ज्वाइंट में ये जो है एक एंगल के ऊपर कटे रहते हैं और ये एंगल ही आपस में ज्वाइंट करते हैं। इनका एंगल 30 डिग्री या 45 डिग्री होता है। तीसरा आता है स्टेप ज्वाइंट। स्टेप ज्वाइंट में एक स्टेप बना रहता है, ये स्टेप, इसलिए इसको स्टेप ज्वाइंट कहते हैं। आइए बात करते हैं आयल रिंग की। आयल रिंग जो फिट रहता है वो सबसे पिस्टन के सबसे नीचे वाले ग्रूव में फिट रहता है, सबसे नीचे वाले ग्रूव में फिट रहता है। मैक्सिमम पिस्टन में एक ही आयल रिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर किसी पिस्टन में दो रिंग का प्रयोग किया जाता है तो गजन पिन बॉस के नीचे वो रिंग यूज किए जाते हैं। ये जो रिंग है ये तीन प्रकार के हैं, नंबर वन सिंगल पीस, और नंबर टू ड्यूफ्लक्स। और नंबर थ्री टी फ्लक्स। ये तीन प्रकार के रिंग हैं। सिंगल पीस रिंग जो है वो एक ही पीस में बना रहता है, ये सिंगल पीस रिंग एक पीस में बना है और यहां पे इसमें बीच में हल्के होल रहते हैं जो कि आयल को स्क्रैप करके अंदर जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। सिंगल पीस रिंग, ड्यूफ्लक्स रिंग में तीन पार्ट्स होते हैं, नंबर वन रेल, नंबर टू क्रिम्प्ड स्प्रिंग और नंबर थ्री रेल क्रिम्प्ड स्प्रिंग और नंबर थ्री एक्सपेंडर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडर की। एक्सपेंडर सबसे अंदर रिंग के अंदर के हिस्से में एक्सपेंडर फिट रहता है जो कि इसको बाहर की तरफ फैलाएगा। उसके बाहर क्रिम्प्ड स्प्रिंग और इनके ऊपर क्रिम्प्ड स्प्रिंग के ऊपर एक रेल रहेगी और एक बॉटम हिस्से में एक इसके नीचे रेल रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की टी फ्लक्स की। टी फ्लक्स में टी शेप का एक्सपेंडर इसमें एक बना रहता है। और इसके बाहर स्क्रैपर आयल को स्क्रैप करके आयल सब में भेजते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।